everyone. So how are you all? I hope you people are having a pretty smile on your face because you're watching me, your science teacher on this channel. तो जैसा कि मैंने बात की थी आप लोगों से कि मैं कुछ साइंटिफिक वर्ड्स के मीनिंग्स लेकर आऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं और उसके हिसाब से मैंने फर्स्ट मीनिंग फर्स्ट वर्ड ले लिया आपका साइंस। अच्छा आप मुझे पहले बताओ कि साइंस एक्चुअल में है क्या? जैसे आप बताओ, यू टेल मी, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन टेल मी कि साइंस है क्या। मतलब जैसे कि तुम मुझसे पूछता है तो मेरे पास नॉलेज नहीं थी या टीचर नहीं थी या मुझे नहीं पढ़ा था, तो मैं बोलती कि यार साइंस तो वही होती है जो मतलब जो हम पढ़ते हैं बुक्स में, इन्वेंशंस होती है, डिस्कवरी वही होती है। होती तो वही है लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट डेफिनेशन वो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद पता चलिए। सो जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया वो मैं आपके लिए लाई हूँ ताकि आप लोगों को कहीं और जाना ही ना पड़े। इफ यू गेट दिस नॉलेज, इफ यू गेट द एग्जैक्ट एंड क्रिस्प डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड, तो आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गेट दिस एंड वॉच मी, वॉच माई वीडियोज ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। साइंस, साइंस कहीं आप सर्च करोगे किसी डिक्शनरी में कहीं भी तो पता है उसका मीनिंग क्या आएगा, टू नो। यस, बट जब हम किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो क्या उसमें टू नो लिख के छोड़ देंगे, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है कि उसमें ऑप्शन में टू नो लिखा आएगा? इतना ईजी नहीं होता। तो एक्चुअल में मीनिंग क्या है साइंस का? दैट इज द सर्चिंग फॉर रियलिटी। यस, साइंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड रियलिटी। इट नेवर, इट डजंट बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। यस, ये आप सोच रहे होंगे कि नहीं, इमेजिनेशन ही तो करते हैं डिस्कवरर्स, इन्वेंटर्स, इन्वर्टर्स जो होते हैं। यस दे डू, बट अंटिल एंड अनलेस दे फाइंड, दे फाइंड द फैक्ट, दे फाइंड द रियलिटी, दे डोंट मेक एनी थ्योरी, दे डोंट शो कि मैंने ये इन्वेंशन किया या मैंने ये डिस्कवरी किया, जब तक कि वो उसको रियलिटी में न ले। तो साइंस का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? सर्चिंग फॉर रियलिटी। ओके, इसके लिए मैंने तीन डेफिनेशंस निकाली हैं, बहुत ज्यादा इजी है, तीनों में से एक कोई भी आप अपने माइंड में क्लियर कर लोगे, रख लोगे, तो आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा, आपके लिए हमेशा माइंड में रहने वाला। अच्छा, फर्स्ट इज नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंसेस। अभी हम बात कर रहे थे कि इन्वेंटर्स होते हैं, डिस्कवरर्स होते हैं, यस वो करते हैं इमेजिनेशन, लेकिन बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, बहुत सालों तक बहुत सारा काम करते हैं, फिर उसके बाद जब नॉलेज उन्हें मिलती है फिर उसको वो डिसाइड करते हैं, दैट इज द प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड साइंस। सेकंड, अब हम बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि डिस्कवरर्स जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत सालों तक काम करते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि एक सिस्टमैटिक वे में, क्योंकि वो तो जो अपने इन्वेंशंस, जो एक्सपेरिमेंट्स, जो प्रैक्टिकल्स वो घर में कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब वो हमारे पास आती है, जब एक पर्टिकुलर परफेक्ट नॉलेज बनकर आती है, तो वो एक सिस्टमैटिक वे में होती है। एक्सपेरिमेंट करना है, मटीरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, फिर इसको प्रोसीजर लिखेंगे, फिर कंक्लूजन, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही जब साइंस में हम कुछ करने जा रहे होते हैं, मतलब साइंस बननी हो रही है वर्ल्ड, तो वो सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड मटीरियल वर्ल्ड, जब तक कि आपके पास एक फिजिकल एंड मटीरियल वर्ल्ड नहीं आता, साइंस उसको रिजेक्ट करेंगे, वो साइंस नहीं है। जब तक कि आपके पास कुछ चीज इन्वेंट करने के बाद आपके पास आपके हाथों में या आपके आप जो आपको देख नहीं पा रहे हैं या आप उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तब तक वो साइंस नहीं है। ओके, अब ये होता कब है? आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन जो हमारे रिस्पेक्टिव डिस्कवरर्स एंड इन्वेंटर्स करते हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें इन्वेंट हो रही है। अच्छा, मुझे ये बता देना कमेंट सेक्शन में कि लेटेस्ट इन्वेंशन कौन सी है साइंस की। ओके, नेक्स्ट इज फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स गेन्ड बाय सिस्टमैटिक स्टडी। तो फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स जो आपकी थ्योरी में, आपकी बुक्स में होती है, आपकी थ्योरी है, साइंटिफिक रिसर्च जितनी भी हो चुकी है उनकी थ्योरीज बनती हैं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग सॉल्व करते हो, थ्योरम सॉल्व करते हो और आप लोग बहुत सारी चीज़ें करते हो। तो जब वो फैक्ट आ जाता है आपके पास बहुत सालों की सिस्टमेटिक स्टडी करने के बाद, उसको बोलते हैं साइंस। So I hope you people now understand the meaning of the word science, and you can get this notes also, you can write it down, and if you like this video give it a thumbs up and subscribe my channel so that you don't miss any video, because main aage aapko bahut interesting way mein aur bhi science ke words ke meaning batane wali hu. So till then, take care.